हेलो दोस्तों, टेक हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कैसे आप विंडोज को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इसके लिए लैपटॉप में फर्स्ट F9 दबा के आपके पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका विंडोज लोड होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन शो करेगा जो कि है टेन एंड करेंसी फॉर्मेट को आपको जो भी आपका कंट्री उसको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट किया है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टॉल नाउ को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद विंडोज एडवांस ऑप्शन को सिलेक्ट करके जो भी आपका पहले का पार्टीशन है उसको एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप डिलीट करना पड़ेगा। जैसे आपका डिलीट का हो जाता है उसके बाद आपको तीन पार्टीशन करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पर 1 TB का हार्ड डिस्क है, इसलिए मैंने 200 GB का सी ड्राइव बनाया है जो कि है 206000 MB का, और बाकी दो ड्राइव बनाए हैं 373934 MB के दो पार्टीशन, जो कि 365 GB है। उसके बाद आपको पार्टीशन 4 को फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद पार्टीशन 3 का भी फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पार्टीशन 2 को सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना पड़ेगा और आपका विंडोज लोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही विंडोज लोड हो जाएगा आपको कुछ स्टेप्स देगा, आपको उनको कंप्लीट करना होगा। तो जो पहला स्टेप है, आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कीबोर्ड टाइप, मैंने यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन को स्किप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको आई डोंट हैव इंटरनेट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा जो कि लेफ्ट साइड में। उसके बाद कनेक्ट लिमिटेड सेटअप को क्लिक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देगा आपको आपका नाम जो भी यूज कर रहे हैं उसका नाम डालने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और कुछ स्टेप्स देगा, आपको इंटर दबाना पड़ेगा। जैसे ही ये प्रोसेस ख़त्म होता है आपका विंडोज लोड हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।